हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर साइंस क्लासेस। आज जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है पढ़ने के लिए, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। ये सेपरेशन की एक अलग टेक्निक है। इससे इम्प्योर फॉर्म से हम प्योर फॉर्म सेपरेट भी कर सकते हैं, या प्योरिफिकेशन भी का भी ये काम करता है कि इम्प्योर मटेरियल से प्योर मटेरियल को प्योरीफाई करके निकालना, प्योरीफाइड फॉर्म में प्योर फॉर्म में निकालना, यह बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट आर क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स आर द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए प्रोडक्ट, और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की वजह से ये एक स्पेशल शेप ले लेते हैं जिसको कि हम क्रिस्टल कहते हैं। लाइकवाइज आज हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। पहले तो इसका एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच प्योर सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय इट्स सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स आर फॉर्म बाय द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द सब्सटेंस। ठीक, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मीन्स जैसे सोडियम, हमने एग्जाम्पल ले लिया कॉमन साल्ट का, सोडियम क्लोराइड का। इसमें दो एटम्स है, सोडियम के और क्लोरीन के, और ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के रूप में जब एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं तो एक फॉर्म ले लेते हैं जिसको हम क्रिस्टल कहते हैं। ठीक, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इज यूज टू सेपरेशन ऑफ एज वेल एज प्यूरिफिकेशन। यानी कि सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ये दोनों का काम करता है। सेपरेशन भी आप कर सकते हैं और प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। द प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम लोग थोड़ा समझेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉमन साल्ट का। आप लोगों ने इवेपोरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि साल्ट आर फॉर्म्ड इन सी शोर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। छोटे छोटे पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं स्क्वायर शेप में, जिसमें कि सी वाटर आकर डिपॉजिट होता रहता है और यहीं से ये इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेट होने से वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है लेकिन साल्ट नीचे जमता जाता है, एक के ऊपर एक, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और मोटी लेयर बन जाती है। ठीक, लेकिन क्या ये साल्ट प्योर फॉर्म है, प्यूरिफाइड है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर सैंड पार्टिकल्स भी मिक्स होंगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जानवर भी उसके अंदर, उनके भी रेसिड्यूज पड़े होंगे, धूल मिट्टी भी इनके अंदर आ गई होगी। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में ये डायरेक्ट यूज के काबिल नहीं होते। तो इनको यूज करने के लिए वैसे तो बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं साल्ट के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग लैब में इसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे उस टेक्निक को समझेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल साल्ट आ गया इम्प्योर फॉर्म में। अब साल्ट का हम लोगों ने सोल्यूशन बना लिया। कैसा सोल्यूशन बना लिया? ऐसा सोल्यूशन लेंगे सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड क्या होता है आप जानते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं डिजोल्व। एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ठीक, और जितना आप सॉल्यूट डालेंगे वो जाके इन्हीं के बीच में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सैचुरेटेड तो बन गया, ये सैचुरेटेड बन गया, अब इसको हम सुपर सैचुरेटेड बनाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस अगर इतना है तो इतना हो जाएगा। अब इसमें थोड़े और क्वांटिटी में सॉल्यूट डिपॉजिट हो सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, ये था SS यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ये है
SSS यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, हमने ऐसे साल्ट को ले लिया, ऐसे सॉल्यूशन को ले लिया जो कि SSS है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको क्या करेंगे, हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने पे क्या होगा, जो वाटर डिजॉल्व, वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी, जो गंदगीज होंगी, वो यहां आके डिपॉजिट हो जाएगी और यहां पर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस यहीं रह जाएगा इम्प्योरिटीज, और नीचे फिल्टर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक, जिसके अंदर वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज नहीं। अब हम इस सॉल्यूशन क्या करेंगे, अब इसको गर्म करके और कम से कम हाफ से भी कम, यानी कि इसका ज्यादा से ज्यादा वाटर इवेपोरेट करा देंगे गर्म करके, और फिर इस सॉल्यूशन को जो बचेगा उसको हम 4 to 5 days एज इट इज छोड़ देंगे, ढक के रख देंगे। उसके बाद जब आप उसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे जो ढक्कन है, तो पाएंगे कि उसके अंदर जो साल्ट है वो क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद है, यानी उसका क्रिस्टलाइजेशन हो गया है, ठीक। और इस प्रोसेस में जो आपको साल्ट मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा, प्योरीफाइड बनेगा, क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा, ठीक, क्योंकि इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन के जितने भी एटम्स हैं वो सब एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में एक के ऊपर एक डिपॉजिट हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि जिस तरह साल्ट सॉल्यूशन से हमने क्रिस्टल बना लिया, उसी तरह से क्रिस्टल को डिजॉल्व करके हम साल्ट सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, यानी इट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह से, इसी टेक्निक से हम और प्रोडक्ट को भी कर सकते हैं। घर में जो मिठाइयां बनती हैं उसके लिए शुगर का प्योरिफिकेशन जरूरी होता है। वैसे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद होता है शुगर, लेकिन फिर भी उसको प्योरीफाइड किया जाता है। कैसे, उसका एक सिरप बनाया जाता है, सिरप को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर उसकी जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो निकल जाती है, और अंत में उसको फिर इवेपोरेट करते करते, गर्म करते करते वो क्रिस्टल फॉर्म में अपीयर हो जाती है, और इसी क्रिस्टल फॉर्म, इसी प्योरीफाइड शुगर को हम मिठाई बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कॉपर सल्फेट का भी इस तरह एग्जांपल है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए, फिर उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर उसको जो है, अच्छा ये प्रोसेस हुआ कैसे, आपने गर्म किया था तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया था, फिर आपने जब ठंडा किया, कूल किया, तो हुआ क्या कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फिर घटने लगा। अब जो एक्स्ट्रा शुगर बची हुई थी या एक्स्ट्रा साल्ट बचा हुआ था या एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट जिसका भी आप सॉल्यूशन ले रहे हैं बचा हुआ था, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में धीरे धीरे लौटने लगेगा, ठीक, और इस तरह से वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में आपको अपीयर हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट द प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम इट्स इम्प्योर सॉल्यूशन, या आप इसको प्योरिफिकेशन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर तो हमने नमक से नमक ही लिया, लेकिन नमक क्या था, यहां इम्प्योर साल्ट था और यहां पर प्योर फॉर्म में साल्ट था, यानी इसको सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन दोनों प्रोसेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। सो इट इज ऑल अबाउट फॉर क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलीकरण की यही प्रक्रिया है, जो कि आपके कोर्स के लिए इतना मोर देन सफिशियंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।